अस्सलाम वालेकुम। आज ये आपको जी मैं फिल्टर को जो है इसको साफ करने का तरीका बताऊंगा। ये आपने जब एक्वेरियम से निकालना है, पहले तो इसको एक्वेरियम के अंदर ही इसको अपने शॉपर इस पे चढ़ा लेना है, और उसके बाद फिर आपने एक्वेरियम से बाहर निकालना है, क्योंकि जब आप इसको हिलाते हैं तो इसमें से डस्ट पार्टिकल निकल के और जो होता है ना वो एक्वेरियम को पानी खराब कर देता है। ठीक है, जब आप इसको बाहर निकालेंगे फिर आपने इसको सेपरेट करना है इस तरह। ठीक है, इसको यूं रखना है, फिर आपने इसका यहाँ से इसको खोलना है, ये इसको अलग कर लेना है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपने इसको निकाल लेना है, ये देखिए, और इसको वॉश किया। अभी मैंने इसको वॉश कर दिया है, आपने इसको निकाल लेना है इधर से, अच्छी तरह ब्रश से वॉश कर लेना है इसको। ये मैग्नेट होता है, ये फिर इसके अंदर लग जाता है। ठीक है, फिर आपने इसको ओपन करना है, थोड़ा क्लोज करें, ये इसमें से आपने ये स्पंज निकालना है, ये इसको सब वॉश करना है। ये बायो, ये देखें, ये जो होते हैं ये रॉक्स होते हैं, ये मटेरियल, ये इसमें लाजमी डाला करें। ठीक है, ये भी देखें, ये आप फिल्टर हमने निकाला, अभी ये वॉश हुआ हुआ फिल्टर है। ठीक है, तो इस तरह आपने इसको साफ कर लेना है। इसके बाद आप इसको बंद करेंगे। सबसे पहले आपने ये एक एक काम में रहा, इसमें वो देखो आप वहीं है फेंक आयो, जब देखियो बाल्टी में पड़ोगे नीचे रखो, दोबारा नहीं बनाना, बंद किया। अब हम इसको बंद करेंगे। सबसे पहले आपने फिल्टर को इसके अंदर ये इस तरह आपने इसको बंद करना शुरू करना है। ठीक है, अगर आपके सिरेमिक्स बॉल्स हैं ये अच्छे हैं, बहुत होते हैं, अगर आपके पास हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपने इनको भी लगा लेना बीच में यूँ। ठीक हो गया, ये भी लग गया। ठीक है, इसके बाद आपने इस पर कैप लगा देनी है, ये फिर आपने इसको जोड़ना है। इसको आपने इजी होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। जब हमेशा याद रखें जो पहले चीज़ खुलेगी वो लास्ट में जुड़ेगी, ये असूल होता है किसी भी चीज़ को, मशीन को या कोई पार्ट्स आपने खोले हैं, जो पहले खुलेगी वो आखिर में जुड़ेगी, और जो आखिर में जुड़ेगी वो सबसे पहले हम उसको लगाते हैं। ठीक है, ये देखें, ये अब लॉक हो गया, फिर हम इसको लगाएंगे इसके साथ। अब ये फिल्टर तैयार हो गया पानी में लगने के लिए। अच्छा, इसको आपने एक्वेरियम में तकरीबन नीचे 1.5 इंच, ईच 1.5 इंच के फासले से लगाना है, बिल्कुल साथ टच नहीं करना फ्लोर के साथ। सबसे पहले हम इसको फिक्स करेंगे यू, ठीक है, फिर हम फिल्टर को लेके जाएंगे पानी में और इसको इसके अंदर लगा देंगे। ये अब हम देखेंगे इसको कि हम कितना नीचे लेके जा रहे हैं, और इधर से दिखाएं रहे हैं, इधर से इधर चेक करें नीचे से, वो देखें फिल्टर नीचे से, इधर से ये देखें, ये टच नहीं करना, इतना डिस्टेंस होना चाहिए इसका नीचे से। ठीक है, अब ये फिल्टर ला गया, अभी हम इसको ऑन करके आपको चेक कराएंगे, सफाई के बाद इसका प्रेशर देखिएगा कितना तेज़ हो गया। ठीक है, अभी हम इसको चेक करते हैं, ये देखिएगा, ये देखें, अब ये फिल्टर अपना स्मूथली काम कर रहा है, क्योंकि हमने मछली को हमेशा साफ पानी प्रोवाइड करना है फिल्टर शुदा। ये डस्ट पार्टिकल्स जो हैं ये थोड़ी देर बाद ये देखिएगा इस फिल्टर सारा सक कर लेगा। तो आप ये अपने एक्वेरियम को इसी तरह आपने फिट रखना है और साफ रखना है, और साफ इन्वायरमेंट इनको देनी है जिसमें मछलियाँ हेल्दी भी रहती है और खुश भी रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।